हेलो फ्रेंड्स, अगर आप प्लान कर रहे हैं सेल फोन लेने के लिए या स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ फ्लिपकार्ट के बिग शॉपिंग डेज का, जो कि 15 से 19 मई तक चलेंगे। जहाँ दोस्तों, इस दौरान ऑलरेडी एक प्रीव्यू में उन्होंने दिखाया हुआ है, अगर आप ऐप में जाते हैं, कि कौन कौन से मोबाइल्स हैं जिन पर ऑफर्स चल रही हैं। प्लस अगर आप HDFC कार्ड होल्डर हैं तो उस पर भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि 1500 से 2000 तक वेरी कर सकता है। अभी ये रिवील नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि कौन से वो फ़ोन हैं जिन पे ऑफर्स चल रही हैं और क्या आपको उन्हें लेना चाहिए या स्किप करना चाहिए। मेरा नाम हरजोत है, आप देख रहे हैं फॉर लव ऑफ गैजेट्स। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा और तो और अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि हम चैनल को इम्प्रूव कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला फ़ोन रहेगा सैमसंग का J6। दोस्तों, इस फोन को आप तभी ऑप्ट कीजिएगा अगर आप कुछ टियर वन ब्रांड ही चाहते हैं, जैसे सैमसंग। फोन ठीक ठाक सा है, गेमिंग और कैमरा के लिहाज से, इनफैक्ट प्रोसेसर भी बहुत अच्छे नहीं है, इट्स लाइक इंटरमीडिएट, या फिर आप इस पर हार्डकोर गेमिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप कॉलिंग तक ही लिमिटेड है, मैसेजिंग एंड ऑल दैट, यूट्यूबिंग, आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं, बट आप इससे टॉप लेवल गेमिंग परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगा। और कैमरा भी इसके एवरेज है, बहुत अच्छे नहीं है। आपको इसमें जो प्लस पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि आपकी इन्फिनिट डिस्प्ले आपको मिलता है, फेस अनलॉक मिल जाता है, 4GB और 64GB का सेटअप आपको मिल जाता है, इसमें डेडिकेटेड स्लॉट है, आपको फेस अनलॉक भी मिल जाता है। तो अगर आप कुछ ब्रांड वाइज चाह रहे हैं जो कि टीयर वन ब्रांड सैमसंग से है, तभी इसे ऑप्ट कीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। चलते हैं हमारी अगली ऑप्शन की तरफ। हमारी अगली ऑप्शन है रेडमी नोट 5 प्रो एंड रियलमी 2 प्रो। देखिए दोस्तों, दोनों ही बहुत अच्छे फ़ोन हैं एंड दे आर सोल्ड इन लार्ज नंबर। आप रेडमी नोट 5 प्रो के लिए जा सकते हैं अगर आप शॉमी MIUI चाहते हैं, एक कन्वेंशनल लुकिंग फ़ोन चाहते हैं, ज़्यादा बैटरी चाहते हैं और ग्रेट कैमराज भी चाहते हैं, क्योंकि इसमें आपको बैटरी 4000 mAh की मिलती है। प्रोसेसर अच्छा है, 600 सीरीज़ का आता है, 636। अगर मैं बात करूँ Realme 2 Pro की, इसमें बैटरी आपको थोड़ी कम मिलेगी 3500 mAh की, बट आपको जो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा वो बढ़िया मिलेगा, क्योंकि इसमें ड्यू ड्रॉप नॉच या ड्रॉप नॉच के साथ डिस्प्ले आता है। प्लस आपको इसमें प्रोसेसर Redmi Note 5 Pro से बढ़िया मिलेगा, जो कि Snapdragon 660। सो आप देख सकते हैं कि आपको क्या प्रेफरेंस रखनी है, कि आपको नॉच वाला डिस्प्ले चाहिए, खासकर ड्रॉप नॉच चाहिए, स्नैपड्रैगन 660 चाहिए, या आपको शॉमी का MIUI चाहिए, क्योंकि आई हैव सीन सम पीपल डोंट लाइक द कलर OS जो कि रियलमी में मिलता है। बट द बॉटम लाइन है कि दोनों बहुत अच्छे फ़ोन हैं, अगर आप कोई भी ऑप्ट करेंगे यू विल नॉट गो रॉन्ग, आपको मेजर डिफरेंस नहीं मिलेगा कैमरा वगैरह में। येस, फ्रंट में 16 MP है रियलमी 2 प्रो में, जबकि Redmi Note 5 Pro में 20 है, तो शायद आपको थोड़ा सा फ़र्क मिले। आई थिंक उसमें फ्लैश भी है Redmi Note 5 Pro में, वो आप देख सकते हैं, बट अदर देन दैट आप ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाएंगे। येस, परफॉर्मेंस डेफिनेटली आपको Realme 2 Pro में ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि उसमें प्रोसेसर 660 है। सो आप एक कॉल ले सकते हैं कि आपको कौन सा फ़ोन चाहिए, Redmi Note 5 Pro या फिर Realme 2 Pro, whichever way you go, you'll not gonna go wrong, trust me. सो फ्रेंड्स, अगला फ़ोन हमारा रहेगा Honor का 9N। इसे हम स्किप करेंगे, क्योंकि इस रेंज में आपको ना तो बैटरी मिल रही है, ना ही आपको कैमराज मिल रहे हैं, ना ही आपको प्रोसेसर मिल रहे हैं। सो आई एम रियली सैड टू से दैट, बट इस फ़ोन को आप स्किप कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलते हैं हमारे अगले फ़ोन की तरफ। सो फ्रेंड्स, अगली ऑप्शन हमारी रहेगी ओप्पो K1। ये एक अमेजिंग ऑफरिंग है ओप्पो की तरफ से इस रेट पे। क्यों? क्योंकि आपको मिलता है एमोलेड डिस्प्ले 6.4 inches का, आपको 3600 mAh की बैटरी मिलती है, आपको 16 MP का रियर कैमरा अलॉन्ग विद डेप्थ सेंसर, फ्रंट में 25 MP का सेंसर और तो और स्नैपड्रैगन 660 मिलता है। ट्रस्ट मी, इस रेंज में दोस्तों आपको कोई और फ़ोन नहीं जो आपको इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट स्कैनर प्लस एमोलेड डिस्प्ले का एक सेटअप प्रोवाइड कर रहा हो। तो अगर आपका बजट थोड़ा एक्सीड कर सकता है Redmi Note 5 Pro या फिर Realme 2 Pro से, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसका जो फ्रंट कैमरा है, जैसे कि मैंने कहा 25 MP का, वो अमेजिंग पिक्स क्लिक करता है फ्रेंड्स। सो आप इसको डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि जो कन्वीनियंस इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर की है वो रियर की नहीं, प्लस जो एमोलेड डिस्प्ले का व्यू है वो आपको IPS पैनल कभी नहीं दे पाएगा। चलते हैं अगले फ़ोन की तरफ। अगला फ़ोन हमारा रियलमी का C1 है। ऑलरेडी C2 लॉन्च हो चुका है और इससे अच्छी ऑफरिंग अवेलेबल है इस प्राइस रेंज में, तो हम इस फ़ोन को स्किप करना चाहेंगे। नो डाउट प्रीवियसली इसने बहुत अच्छा किया है एंड इट हैज़ सोल्ड इन वेरी वेरी गुड नंबर्स, बट अभी के लिए हम इसे स्किप करेंगे। चलते हैं हमारे अगले फ़ोन की तरफ। हमारी अगली ऑफरिंग रहेगी नोकिया की तरफ से, नोकिया 5.1 प्लस।
जी दोस्तों, ये एक बेहतरीन फोन है जो कि हीलियो P60 के साथ आता है, USB टाइप सी पोर्ट के साथ आता है, एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम, ग्लास बिल्ड और कॉम्पैक्ट साइज है। फ्रंट कैमरा इसका थोड़ा सा वीक है जो कि 8 मेगापिक्सल का है, सो अगर आप इसके साथ लिव कर सकते हैं तो आई थिंक आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। वंस अगेन, सिर्फ और सिर्फ अगर आप ब्रांडिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं तभी इस फ़ोन को ऑप्ट कीजिए, नहीं तो इस रेंज में हमारे पास एसुस की तरफ से भी कुछ बेहतरीन ऑफर्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। बट अगर आपको सिर्फ नोकिया ही चाहिए तो यू शुड बाय दिस विदाउट अ फेल, बिकॉज ये भी बहुत ही बढ़िया रेट पर मिल रहा है। चलते हैं हमारे अगले फ़ोन की तरफ। हमारा अगला फ़ोन है नोकिया 6.1 प्लस। हम इसे भी स्किप करेंगे, फ़ोन बुरा नहीं है, लेकिन इस रेंज में आते आते आपको ओप्पो K1 मिल जाता है, रेडमी नोट 5 प्रो मिल जाता है, आपको रियलमी 2 प्रो मिल जाता है, रियलमी 3 मिल जाता है, और तो और अभी हाल ही में लॉन्च हुए रेडमी नोट 7 प्रो और रियलमी 3 प्रो, क्योंकि इसकी टेरिटरी रेट वाइज उनके फ़ोन के रेट को टच करने लग जाती है, सो हैंस इसको हम स्किप करें। सो फ्रेंड्स, हमारा अगला फ़ोन है पोको F1, जिसे इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं। स्नैपड्रैगन 845, एड्रीनो GPU 630, सोनी IMX 363, इस फ़ोन ने मार्केट को डिस्टर्ब कर दिया था। इस रेट में ये बहुत बढ़िया फ़ोन है अगर परफॉर्मेंस आपका की एस्पेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, लुक्स में मे बी इट नॉट बी द बेस्ट, बट विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस, बैटरी, कैमरास, ये एक बहुत ही टेम्पटिंग डील है। तो अगर आपको टॉप नॉच लेवल्स पे गेम खेलनी है, ग्राफिक लेवल फुल HD या हाई लेवल सेटिंग्स पे खेलना है, फॉर एग्जांपल PUBG वगैरह, तो आई थिंक आप पोको F1 को पिक कीजिए, और HDFC कार्ड के बाद तो आपको बहुत बढ़िया रेट में मिल जाएगा। अगला फ़ोन है सैमसंग का गैलेक्सी नोट 8। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक फ़ोन चाहते हैं जो वाटरप्रूफ हो, वायरलेस चार्जिंग के साथ आए, स्टाइलस आए, आप बिजनेस ट्रिप्स पे ज़्यादा रहते हैं तो यू नीड अ मिनी कंप्यूटर टाइप स्टफ, आपको अगर नोट्स क्विकली लेने हैं आई थिंक तभी आपको हेल्पफुल रहेगा और मेक सेंस, बट अदरवाइज 36,000 में आज की डेट में इसका रेट ज़्यादा है क्योंकि प्रोसेसर इतना फास्ट नहीं है एज कम्पेयर टू पोको, बट देन द यूटिलिटी विच इट प्रोवाइड इज समथिंग एज ऑफ नाउ और कोई फ़ोन इसको नहीं मैच कर पाता। आई गेस अगर ये 32 के आसपास प्राइस कर दिया जाता आज की डेट में 31 के आसपास, तो आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन एट दैट प्राइस रेंज, बट अगर आपकी ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप ASUS Max Pro M1 खरीदने की सोच रहे हैं तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको मिलता है Snapdragon 636, 5000 mAh की बैटरी, आपको ऑलमोस्ट 6 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है, इसीलिए ये Honor 9N और Honor 9 Lite से अच्छा है। हाँ, ज़रूर ये है कि फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो कि उसमें 16 मेगापिक्सल का है, बट आई थिंक स्टिल इट डज़ अ गुड जॉब। आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज ये बहुत बढ़िया लगेगा क्योंकि इसमें स्नैपड्रैगन का 636 मिलेगा, हैंस इट्स ए रिकमेंडेड डील। अगर आप फोन ये कंसिडर कर रहे हैं तो आप इसे ज़रूर लीजिए, आप निराश नहीं होंगे। अगला फ़ोन है ASUS ZenFone Max M1। इस फ़ोन को वी कैन रेकमेंड, बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें डुअल 4G वोल्टी एनेबल्ड नहीं है, जो कि आज के डेट में एक मस्ट रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज फ़ोन ठीक ठाक है, बट स्नैपड्रैगन 430, हैंस वी आर नॉट काइंड ऑफ यू नो वेरी मच कॉन्फिडेंट टू रिकमेंड दिस, सो इसको हम स्किप करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगला फ़ोन हमारा है ASUS ZenFone Max M2 Pro। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस फ़ोन को कंसिडर कर रहे हैं इस प्राइस रेंज में तो ये एक अच्छी डील है, क्योंकि आपको इसमें अगेन मिलेगा स्नैपड्रैगन का 660, 10,000 से नीचे की रेंज में, प्लस आपको 5000 mAh की बैटरी, ट्रिपल कार्ड स्लॉट, आपको रियर में 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा, फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा, सो इस फ़ोन को आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। अनदर रीज़न वाई यू शुड स्किप Honor 9N एंड Honor 9 Lite। सो अगर आप इस फ़ोन को खरीदना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली लीजिए, आप निराश नहीं होंगे। अगले फ़ोन है हमारे Honor 9 Lite, Honor 8X, Honor 10 Lite। इन सभी फ़ोन्स को हम स्किप करेंगे क्योंकि Honor 9 Lite, जैसे मैंने आपको बोला, आपके पास ASUS ZenFone Max M2 Pro हो जाता है, सो विल नॉट डिस्कस दोस्त। जहाँ तक 8X और 10 Lite की बात है, ये प्राइस रेंज के हिसाब से ऑलमोस्ट Realme 3, Redmi Note 7 Pro, Redmi 3 Pro की टेरिटरी में पहुँच जाते हैं। सो ऑन दैट नोट, आई मीन अगर आप इन फोन को लेना चाहें ले सकते हैं, बट विल नॉट रिकमेंड। इट्स रादर बेटर कि आप थोड़ा सा और पैसा डाल के Redmi Note 7 Pro या Realme 3 Pro जो आपको अच्छा लगता है वो लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगला फ़ोन है हमारा हाल ही में लॉन्च हुआ Realme C2। यहाँ दोस्तों, इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में, क्योंकि इसमें आपको मिलता है हीलियो का P22, 3GB RAM की भी स्पेसिफिकेशन आती है, सो आई एम श्योर
आप इसके डिस्प्ले और लुक से कभी निराश नहीं होंगे। रियलमी सी वन ने बहुत अच्छा किया था, तो ये उससे और अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि इसका प्रोसेसर उससे और बढ़िया है। सो अगर आपका बजट इस रेंज का है, रियलमी सी टू की रेंज का, तो आई थिंक दिस इज द फोन टू गो फॉर। आप इसको डेफिनेटली ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगले दो फोन जो मैं नाम लेने वाला हूँ वो ऐसे हैं कि लगता है कि गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं गेम ऑफ फोन्स चल रहा है। रेडमी नोट 7 प्रो एंड रियलमी 3 प्रो, ये दोनों फ़ोन एकदम सेम रेट पे अवेलेबल हैं, लगभग सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो ये बहुत ही यू नो प्रेफरेंस बेस्ड चॉइस हो जाएगी। अगर आप क्लास बिल्ड चाहते हैं तो आप रेडमी नोट 7 प्रो के लिए जाइए। अगर आप पॉलीकार्बोनेट से परहेज नहीं कर सकते आप रियलमी 3 प्रो देख सकते हैं। आपको रियलमी 3 प्रो में फ्रंट में 25 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जबकि रेडमी नोट 7 प्रो में 13 मेगापिक्सल का। आपको रियलमी 3 प्रो में ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है, जबकि रेडमी नोट 7 प्रो में आप सिर्फ एक सिम या एसडी कार्ड या फिर दो सिम डाल सकते हैं। सो एक डिसएडवांटेज है जिसको शॉमी फिक्स नहीं कर सकता, प्लस आप फ्रंट कैमरा को भी फिक्स नहीं कर सकते। थर्ड थिंग, आपको जो फास्ट चार्जर मिलता है शॉमी उसको भी फिक्स कर सकता है अगर चाहे तो, बट वो एक ओवरहेड कॉस्ट होगी, तो आई डोंट थिंक दिल फिक्स इट। सो कंसिडरिंग दिस मेरे लिए पिक रहेगा रियलमी 3 प्रो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो तीन एडवांटेजेस मिले हैं, एक्स्ट्रा एसडी कार्ड का, फ्रंट कैमरा 25 मेगापिक्सल, वोक चार्जर का सपोर्ट, वो आपको रेडमी नोट 7 प्रो में नहीं मिल रहा। एट दी एंड दोनों फोन्स में अगर आप रेडमी नोट 7 प्रो लें या फिर रियलमी 3 प्रो लें, आप गूगल कैमरा ज़रूर इंस्टॉल करेंगे और आप पिक मिक्स लेंगे। पिक्चर्स में आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं दिखने वाला दोस्तों, अनलेस यू पिक्सल पीप। हेंस अगर आप, फिर से बोलूँगा, चाहते हैं ग्लास बिल्ड तो आप शॉमी रेडमी नोट 7 प्रो के लिए जाइए, अदरवाइज आप रियलमी 3 प्रो को प्रेफरेंस दे सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एनी विच वे यू विल नॉट गो रॉन्ग, इवेंचुअली दोनों अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बट आई थिंक रियलमी 3 प्रो को एडवांटेज है इन तीन लेवल्स के कारण बहुत बहुत ज़्यादा। हेंस माई पिक वुड बी रियलमी 3 प्रो। बट यस, अगर आप रेडमी नोट 7 प्रो भी लेंगे सो यू विल नॉट बी लेट डाउन, जैसे मैंने बोला कि आपको बहुत डिफरेंस नहीं मिलेगा। हाँ, फ्रंट कैमरा में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, आप स्टोरेज नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि 48 मेगापिक्सल की पिक्चर बहुत बड़ी आती है, प्लस आपको फास्ट चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा जो कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स रियलमी 3 प्रो में मिलता है। तो ये था इन दोनों धुरंधरों के बीच का मुकाबला। चलते हैं अगले फोन की तरफ। हमारा अगला फोन है रेडमी का Y2 और रेडमी 6। अगर मैं Y2 की बात करूँ, आज की डेट में 3GB वाला मॉडल आपको लगभग 7200 का पड़ जाएगा अगर आप HDFC कार्ड यूज़ करते हैं। मुझे लगता है ये ऑप्शन अच्छी है क्योंकि स्नैपड्रैगन 625 आपको इस रेट पे भी कोई और फ़ोन नहीं दे रहा, तो आप इस फ़ोन को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। इनफैक्ट आई गिफ्टेड माई मदर दिस रिसेंटली, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैंने उन्हें गिफ्ट किया, बट द थिंग इज मुझे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अभी भी वो फ्लॉलेसली चल रहा है, 6 महीने हो गए, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बिल्ड क्वालिटी, स्क्रीन, बैटरी सब कुछ अच्छा है। रेडमी 6 की बात करें, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आता है, बट इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका स्पीकर बैक पे है तो साउंड मफल हो जाती है। अगर आपने स्पीकर जैसे फ़ोन अपसाइड रखा हुआ है तो आपको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है इसका। आई थिंक आज की डेट में अगर आप कॉम्पैक्ट साइज टाइप जाते हैं तो ही इस फ़ोन को देखिए, बट कीप इन माइंड कि इसमें इसकी जो वॉइस है या फिर साउंड है वो मफल ज़रूर होगी। हैंस मैं इसको इतना रेकमेंड नहीं करूँगा, बट आपको ये अगर पसंद है तो लीजिए, बट अदरवाइज़ इट्स नॉट रेकमेंडेड। मैं Y2 को इसके मुकाबले ज़्यादा रेकमेंड करूँगा, जो कि अच्छा फ़ोन है, क्योंकि मुझे लगता है 625 एक बहुत बढ़िया प्रोसेसर है जो कि बहुत फ़ोन्स में यूज़ हुआ और इसने आज तक किसी को निराश नहीं किया। सो आई थिंक रेडमी Y2 वुड बी द पिक फोन। हमारे अगले फ़ोन है रियलमी 3 एंड रेडमी नोट 7। फिर दोस्तों सेम कहानी यहीं जाके एक ही पॉइंट पर रुकती है। आपको जो रियलमी 3 प्रो में एक्स्ट्रा बिट्स मिलते हैं वो आपको रेडमी नोट 7 में नहीं मिलेंगे। ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको नहीं मिलेगा, उसमें बैटरी ज़्यादा है रियलमी 3 में जो आपको रेडमी नोट 7 में नहीं मिलेगी। कलर OS में भी आपको नहीं पसंद आए, आई पर्सनली लाइक MIUI मोर। सो अगेन इट्स प्रेफरेंस बेस। फिर वही बात आती है कि अगर आपकी प्रायोरिटीज़ हैं कि आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए, लेटर ऑन यू मे एक्सीड द स्पेस, तो आपको रियलमी 3 लेना चाहिए। बट अगर आप मैनेज कर सकते हैं उतनी स्पेस में, आपको ग्लास बिल्ड चाहिए, आपको 660 इज़ मोर देन इनफ, जबकि P70 भी बहुत अच्छा प्रोसेसर है, तो आप रेडमी नोट 7 के साथ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है 4000 mAh बैटरी इज़ इनफ, जबकि रियलमी 3 प्रो में लगभग 4250 के आसपास बैटरी है, तो आप रेडमी नोट 7 के लिए जाइए। अगेन ये प्रेफरेंस बेस्ड रहेगा। कैमरा परफॉर्मेंस
अदरवाइज परफॉर्मेंस दोनों की सेम रहेगी। डिफरेंस आपको यही करना है कि आपको बैटरी ज़्यादा ट्रिपल कार्ड स्लॉट चाहिए कि नहीं चाहिए, एंड देन यू कैन टेक अ कॉल। चलते हैं अगले फोन्स की तरफ। हमारे अगले दो फ़ोन हैं वीवो V15 Pro एंड ओफो F11 Pro। अगर मैं वीवो V15 Pro की बात करूँ, दाओ इसमें प्रोसेसर Redmi Note 7 Pro वाला ही है 675, बट जहाँ ही एक्सीड करता है Redmi Note 7 Pro को, वो है वाइड एंगल कैमरा, एमोलेड डिस्प्ले, इनबिल्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि OnePlus 6T से भी फास्ट है, फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का, SD कार्ड स्लॉट, आपको जो कवर मिलता है वो आपको आई थिंक आज के डेट में जो कवर दे रहे हैं वो कोई भी नहीं दे रहा। वन रीज़न इज़ दैट स्क्रीन आपको गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ नहीं मिलती, बट देन अगेन ये एक अच्छी चीज़ है। सो अगर आप F11 Pro या फिर Vivo V15 Pro में से कुछ देखना चाह रहे हैं तो आप Vivo V15 Pro देखिए। इसमें आपको 1080p पे EIS भी मिल जाता है, 4K वीडियो भी मिलती है, जबकि आपको Oppo में 4K वीडियो नहीं मिलेगी, EIS भी नहीं है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जबकि Vivo V15 Pro में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा फ्रंट में। पोर्ट्रेट मोड Vivo के ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू Oppo, आप अगर देखना चाहते हो वीडियोज़ में देख सकते हैं। हेंस आर रिकमेंडेशन वुड बी Vivo V15 Pro सिंपली। हमारे अगले दो फ़ोन हैं मोटो की तरफ से, मोटो G7 एंड मोटो पावर 1। सेम स्टोरी अगैन फ्रेंड्स, दे टच द प्राइस टेरिटरी एंड एक्सीड ऑफ द Redmi Note 7 Pro एंड Realme 3 Pro, हेंस दे आर नो वेयर नियर बाय रिकमेंडेशन, सो विल स्किप दैम, इनको हम स्किप करेंगे क्योंकि इनका प्राइस Redmi Note 7 Pro और Realme 3 Pro से ज़्यादा या उनके बराबर आता है, और ये दो फ़ोन ऐसे जिन्होंने 20,000 या फिर मैं 17,000 तक की प्राइस सेगमेंट की बात करूँ वहाँ पे एक बेंचमार्क सेटअप कर दिया है आज की डेट में। सो वंस अगेन विल स्किप दोस। अदर देन दैट, जो आपके और फ़ोन हैं जैसे कि Asus Zenfone 5Z है, और आई मीन सच फोन्स इन पे भी ऑफर्स रहेंगी, बट कंसिडरिंग के जैसे भी Asus Zenfone 6 आने वाला है, आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप 5Z खरीदें क्योंकि डिसकंटिन्यू हो सकता है। प्लस एक एरिया जहाँ पे 5Z स्ट्रगल करता है वो है फ्रंट कैमरा जो कि 8 मेगापिक्सल है। आई थिंक Zenfone 5Z जब Asus ने बनाया ये सबसे बड़ा ब्लंडर किया। अगर 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया होता Asus Zenfone 5Z में प्लस 3700 या 4000 mAh की बैटरी, आई थिंक वो फ़ोन आज की डेट में टॉप में होता, बट 8 मेगापिक्सल कैमरा नॉट गुड, हेंस आई वुड सजेस्ट अभी आपसे मत खरीदेगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारा एक ही मोटिव था कि आपका हार्ड अर्न मनी अच्छी जगह इन्वेस्ट हो। प्लीज़ डू टेक रेफरेंस ऑफ अदर वीडियोज़, आप और भी वीडियोज़ देख सकते हैं, सो दैट आप जो भी फ़ोन खरीदें आप एटलीस्ट उसको साल दो यूज़ करें, ना कि परेशान होकर उसको 2-3 महीने पर OLX पर डालें और फिर उसको लॉस में बेचें। तो इंटेंट यही था कि आपको जो भी प्रोडक्ट मिले वो बढ़िया मिले और आप उसे लॉन्ग टर्म यूज़ करें। मेरा नाम हरजोत है, आप देख रहे थे फॉर द लव ऑफ गैजेट्स। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए, कमेंट कीजिए, आपका फीडबैक हमें हमेशा हेल्प कर सकता है। इसी नोट पर वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, गॉड ब्लेस, टेक केयर।